वेल गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स। आज पाइपिंग आइसोमेट्रिक का दूसरा पार्ट है और आज हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स क्या है, कहाँ यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए आए हैं चैनल पर उनको बता दूं कि ये पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स का सीरीज चल रहा है और ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात किया था कि इस पूरे सीरीज में हम लोग क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पाइपिंग के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक चीज जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि वीडियो स्टार्ट करने के बाद ये सारी बातें बताना मेरी मजबूरी है, नहीं तो मान लो कोई नया आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो वो कैसे इन सारी बातों को लिंक कर पाएगा, कैसे समझ पाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब भी वीडियो स्टार्ट होता है, जब तक टॉपिक स्टार्ट नहीं हो जाता। और अगर आपको मेरी बातें इतनी ही बुरी लगती है दोस्त, तो ये शुरू वाले पार्ट को ना आप सीधा स्किप कर जाओ, सीधे 2-3 मिनट बाद से देखो और फिर आके कुछ चीजें ना समझ में आए तो गोल्डन वर्ड्स मेरे को कमेंट में सुना के चले जाओ। देखो भाई, क्योंकि मुझे तो सबको लेके चलना है ना यार, मैं मानता हूं अगर मेरी वीडियो से आप में से किसी एक की भी मदद होती है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। आपको अंदाजा नहीं होगा कि इन वीडियोस को क्रिएट करने में कितना वक्त लगता है, हो सके तो एक बार कोशिश करके देख लेना भाई। तो चलिए पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप काम करते हैं तो आपने पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स का नाम जरूर सुना होगा, जो कि एक प्रकार का इंजीनियरिंग ड्राइंग है। पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स को इंडस्ट्री में पूरा ना बोल करके शॉर्ट फॉर्म में कॉमनली आइसोस के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि किसी पाइपलाइन का आइसो कहाँ है, तो इसका मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा समझना है कि पाइपिंग आइसोमेट्रिक की बात की जा रही है। और आजकल जितनी भी प्रोसेस इंडस्ट्री हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो या केमिकल हो या फार्मास्यूटिकल हो, चाहे फूड इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, हर जगह आपको आइसोमेट्रिक्स देखने को मिल जाएगा और हर जगह इन सारे फील्ड में एक पाइपिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है। इस इंजीनियरिंग ड्राइंग का इस्तेमाल हम वर्ल्ड वाइड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग, ऑपरेशन और इंडस्ट्रियल प्लांट्स के मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। आइसोमेट्रिक्स एक प्रकार से क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी पाइप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका रूटिंग सिस्टम क्या है, जिसके द्वारा हमें पूरे पाइपिंग और उसके कंपोनेंट्स को समझने में बड़ी ही आसानी होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आइसोमेट्रिक्स को समझना बिल्कुल आसान है, यहाँ कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप लोगों को जल्दीबाजी ना करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और अगर समझ आ रहा हो तो एक लाइक करते जाइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। एक चीज तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर पूरे अच्छे से आपने पूरा वीडियोस को कवर कर लिया तो आइसोमेट्रिक्स की एक अच्छी समझ आपको ऑब्वियसली हो जाएगी और किसी भी प्रकार के आइसो को आप ड्रॉ कर पाएंगे बड़े ही इजिली तरीके से। इसमें आगे हम सिंपल आइसो के साथ साथ ऑफसेट्स के बारे में भी अच्छे से सीखेंगे। सिंबल्स का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है तो उसे भी देखेंगे, जैसे कि फ्लैंजेस, वाल्व्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इत्यादि, कुछ उनमें से नाम है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज आइसोमेट्रिक, है ना। सो एन आइसोमेट्रिक इज अ टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल ड्रॉइंग नोन एज पिक्टोरियल आइसोमेट्रिक्स और सिंपली आइसोज, एज दे आर कॉमनली रेफर्ड टू आर डेवलप्ड यूजिंग द थ्री प्राइमरी डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक हाइट, विड्थ एंड डेप्थ। अनलाइक ऑर्थोग्राफिक ड्रॉइंग्स दैट रिप्रेजेंट्स द हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, दे मेंशन इन सेपरेट व्यूज, बट आइसोमेट्रिक्स कंबाइंस द थ्री डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू सिंगल व्यू टू प्रोवाइड पिक्टोरियल। ध्यान से समझिए, कहने का मतलब यह है कि आइसोमेट्रिक एक प्रकार का थ्री डायमेंशनल ड्रॉइंग है जिसे पिक्टोरियल आइसोमेट्रिक्स या फिर सिंपली आइसो के नाम से भी जानते हैं। किसी भी आइसोमेट्रिक को डेवलप करने के लिए प्राइमरी डायमेंशंस की जो जरूरत होती है, जैसे कि ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई, या फिर जैसे लंबाई के रूप में भी ले सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं जैसा भी फिगर हो उसके हिसाब से। तो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हाइट, विड्थ और डेप्थ को देखने के लिए हमें अलग अलग व्यूज देखना पड़ता है,
लाइक फ्रंट व्यू देखना पड़ता है, साइड व्यू देखना पड़ता है, टॉप व्यू देखना पड़ता है, तब जाकर के एक ड्राइंग को कंप्लीट तरीके से अच्छे तरीके से हम समझ पाते हैं। और वहीं अगर हम आइसोमेट्रिक्स की बात करें तो हम तीनों डायमेंशंस को केवल और केवल एक सिंगल व्यू में देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे आपको यहां एक ऑब्जेक्ट मैं देख रहा हूं, बना रहा हूं, जो कि ऑर्थोग्राफिक व्यू है, जिसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ को देखने के लिए अलग अलग व्यूज से देखना होगा। जैसे फ्रंट व्यू से इसे हाइट और विड्थ का पता चलता है, टॉप व्यू से अगर देखेंगे ऊपर से तो विड्थ और डेप्थ का पता चलता है, और अगर हम साइड व्यू से देखते हैं, राइट साइड व्यू अगर इसका देखें तो डेप्थ और हाइट का पता चलता है। यानी किसी एक व्यू से पूरा डायमेंशन हमें पता नहीं चल पा रहा है, हम केवल 2D, एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2D व्यू देख पा रहे हैं। अगर किसी भी एक व्यू से देखेंगे तो केवल 2 ही डायमेंशन हमें मिल रहा है, तीसरा डायमेंशन ओवरलैप हो रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हम आइसोमेट्रिक्स का यूज करते हैं। अब एक और ऑब्जेक्ट देखिए जो कि आइसोमेट्रिक है, जिसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों डायमेंशन एक ही सिंगल व्यू में क्लियर हो जाएगा। और इसके लिए हमने क्या किया कि अपना जो ड्रॉइंग का एक्सिस है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, उसको हमने 30 डिग्री रोटेट कर दिया, घुमा दिया। तो अब यहां से हम तीनों डायमेंशन को आसानी से देख सकते हैं। तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन यहीं से अराइज हो जाता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितने डिग्री में बनाते हैं। तो ये चीज आपको ऑलवेज क्लियर होना चाहिए कि इसका सिंपल आंसर आपको पता होना चाहिए, 30 डिग्री में हमारा जो एक्सिस है आइसोमेट्रिक का वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से रहता है, जैसा कि यहां आप फिगर में अच्छे तरीके से देख के समझ पा रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये भी क्लियर कर लेते हैं कि व्हाई इज एन आइसोमेट्रिक सो इम्पॉर्टेंट, यानी आइसोमेट्रिक हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसके कुछ सेवरल पर्पज हैं जिनको हम देख सकते हैं। लाइक वेरी फर्स्ट पॉइंट, इट इज द प्राइमरी सोर्स फॉर मटेरियल टेक ऑफ ऑफ ईच पाइप कॉन्फ़िगरेशन इन द फैसिलिटी बाय मटेरियल, यानी मटेरियल टेक ऑफ के लिए एक प्रकार से प्राइमरी सोर्स का काम करता है। मटेरियल टेक ऑफ का मतलब ये हुआ कि जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिल करके एक पाइपिंग सिस्टम बनाते हैं, उसे हम टेबुलेट कर सकते हैं परचेस करने के लिए। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का मतलब हुआ कि जितने भी फ्लैंज हैं, एल्बोज हैं, नट बोल्ट्स हैं और गैस्किट हैं, इवन गैस्किट, इन सब का हम क्या करते हैं कि डिटेल्स रेडी कर पाते हैं एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग की मदद से। और जो भी डिटेल्स टेबल के फॉर्म में हम रेडी करते हैं उसी को हम BOM यानी बिल ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज सर्व एज फैब्रिकेशन ड्राइंग, यानी एक बार जब आइसोमेट्रिक बन के रेडी हो जाता है तो फाइनली हम फैब्रिकेशन टीम को प्रोवाइड करते हैं, जिसका इस्तेमाल वो लोग शॉप स्पूल्स को फैब्रिकेट करने के लिए, फॉर एवरी डिटेल दे यूज द आइसोमेट्रिक्स। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इरेक्शन ऑफ द फैसिलिटी लोकेशंस ऑफ टाई इन्स, कनेक्शंस एंड रूटिंग्स, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग प्लांट में इरेक्शन वगैरह के साथ साथ जो टाई इन पॉइंट्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, या फिर कई पाइपिंग के रूट्स वगैरह होते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए भी हम पाइपिंग आइसोमेट्रिक्स का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड ऑयल एंड गैस के साथ साथ केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर मोस्टली किया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। लाइक आइसोमेट्रिक इज क्रिएटेड सिंगल लाइन रिगार्डलेस ऑफ द पाइप्स नॉमिनल साइज, यानी कहने का मतलब है कि आइसोमेट्रिक को हम एक सिंगल लाइन के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पाइप के साइज से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा जो पाइप का साइज है वो 2 इंच है या 4 इंच है या 12 इंच है, जितना भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं और उससे उस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एन आइसोमेट्रिक इज नॉट ड्रॉन टू अ स्केल, यानी आइसोमेट्रिक को हम स्केल से मेजर करके या फिर किसी स्केल पर नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि हमने 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दी तो इसका मतलब कि 5 मीटर या फिर 10 मीटर एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, जैसा कि बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में यही करते हैं, है ना। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वन कॉमन आइसोमेट्रिक सिंबल विल रिप्रेजेंट ऑल द साइज ऑफ पाइप्स, यानी
किसी भी साइज का पाइप हो उसके लिए हम जो आइसोमेट्रिक सिंबल यूज करते हैं वो बिल्कुल सेम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर 10 इंच का पाइप है तो उसके लिए दूसरा सिंबल यूज होगा फ्लैंज का, और अगर 2 इंच का पाइप है तो उसके लिए दूसरा सिंबल यूज होगा फ्लैंज का। ऐसा नहीं है, अगर फ्लैंज का सिंबल है तो चाहे वो किसी भी साइज का पाइप हो दैट सिंबल विल बी द सेम। ये चीजें क्लियर हो गई आपको? तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो आगे की वीडियोस में अब हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को रीड आउट करना सीखेंगे कि किस तरीके से आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देखते हैं। अब तक जितनी भी बातें हुई हैं आइसोमेट्रिक के बारे में, अभी तक ये सारे जनरल इंफॉर्मेशन थे। किसी भी आइसोमेट्रिक को सीखने से पहले आपको थोड़ा बहुत ये सारी चीजें जानकारी होना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये सारी बातें बकचोदी लगे, कुछ लोगों को बकवास लगे, तो आप लोगों के लिए बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो भी भगवान है या फिर अल्लाह है, इंशाल्लाह आपको सद्बुद्धि दे, है ना, थोड़ी बहुत समझ दे दे। आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलता है, 7 मिनट 8 मिनट की वीडियोज होती है, आप लोग 2 मिनट देखते हो, 1.5 मिनट देखते हो। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ यू, बट कुछ लोग हैं जो 2 मिनट 1.5 मिनट वो एवरेज हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग वीडियोस देखते हो तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप लोग पूरी बातें मेरी समझते हो? और इवन जब तक आप लोग सारी बातें नहीं समझोगे तब तक मेरा पर्पस जो है किसी भी वीडियो का, किसी भी, देखो इंसान कोई भी वीडियो बनाता है तो वो उसका एक थीम होता है कि वो क्या बताना चाह रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। ऐसे हवा में तो बातें हो नहीं रही है भाई, देखो हम लोग मुजरा तो करते नहीं है, हम लोग तो यार कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना यार आपको, तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीजों से लिंकअप होती है, तो उन सारी चीजों को आपको समझना होगा। तो कहीं ना कहीं आप 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट की वीडियो 2 मिनट 3 मिनट देख रहे हो सकता है कि आपने जो ऐसी बातें सुनी है जो कि मेन अपना पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए कही गई है, वो पॉइंट आपने नहीं सुना जो कि मेन मोटो था उस वीडियो का, और फिर आप लोगों को बातें बकवास लगने लगती है दोस्त। चलिए कोई नहीं, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भगवान सबको बुद्धि दे, आपकी अपनी अपनी सोच है। आप, हमारा जो काम है भाई हम अपना कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, आपको सीखना है सीखिए, नहीं सीखना है नमस्ते, हाथ जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए तो आगे के वीडियोस में मैंने जैसे कि बताया कि अब फाइनली आइसोमेट्रिक्स को रीड आउट करना शुरू करेंगे, है ना, देखेंगे कि किस तरीके से आइसोमेट्रिक को रीड आउट किया जाता है। बाकी और भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी धीरे धीरे हम लोग उसको कवर करते जाएंगे। अगर आप में से कोई नया बंदा है जो कि वीडियो देख रहा है तो आपसे मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग पाइपिंग शट डाउन मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज बनाते रहते हैं, और अगर आपको रिफाइनरी में काम करना है, अगर आप फ्रेशर्स हैं या फिर और थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। एक बार चैनल को विजिट कीजिए, देखिए अच्छे से, अगर आपके लायक कुछ उसमें लगता है कि है देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।